सिंदूर मांग में दो चुपके सिंदूर। क्या लगती है ये लड़की तुम्हारी, बोलो। पति पत्नी है दोनों। अग्नि के चारों ओर दोनों ने एक साथ सात फेरे लिए हैं। हाँ उज्ज्वला, सिद्धि विनायक की पहली ब्याहता पत्नी है। हम तो पता क्यों किया ऐसा सिद्धि थी। इतना बड़ा धोखा दिया अपनी बहन को। क्यों इतनी बड़ी बात छुपाई। अपनी बहन को अपनी सौतन बना दिया। क्यों किया ऐसा दीदी, क्यों? तुम्हारा विश्वास कर, हमने तो कोई धोखा नहीं दी। ये सब वक्त का खेल है रित, जिसमें हम सब उलझ गए। हाँ ये सच है कि हम विनायक की पहली पत्नी। लेकिन हम ये बस विनायक की पत्नी मैं हूं, सिर्फ मैं हूं। बाकी सब झूठ है, फरेब है, धोखा है, जो भी है मुझे नहीं जानना। आप उनकी कुछ नहीं लगती है, कोई रिश्ता नहीं है आपका उनसे, समझिए आप। रिद्धि प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ नहीं, एक बार मुझे मौका दो। हाँ छोड़िए मेरे, रिद्धि रिद्धि रुक जाओ। विनायक पांडे आप मेरी बात, अब तुम्हारे पास बताने और बोलने के लिए कुछ नहीं बचा है और ना ही मुझे कुछ सुनना है। आज तुम्हें सिर्फ एक फैसला करना होगा। फैसला? कैसा फैसला? आज तुम्हें यह फैसला करना होगा कि तुम किसे अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार करोगे, किसके साथ अपनी बाकी की जिंदगी गुजारना चाहते हो। तो मेरी बेटी रिद्धि के साथ, या फिर इस धोखेबाज मक्कार और झूठी सिद्धि के साथ? जवाब दो मुझे। जवाब दो मुझे विनायक पांडे। रिद्धि
व्यक्ति मेरी पत्नी है और उसी के साथ अपना पूरा जीवन बिताना चाहता हूं। मुझे कुछ याद नहीं कि मेरी शादी सिद्धि से क्यों हुई और कब हुई। मेरी पसंद तो रिद्धि, पता नहीं मेरे घर वालों ने मेरी शादी सिद्धि से क्यों होनी थी। और सासू बहू, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं और अब फिर से कह रहा हूं, मैं रिद्धि से प्यार करता हूं और वही मेरी पत्नी है। आप ऐसा नहीं कर सकते, मैंने कोई भी फैसला करने से सुना नहीं तुमने। यह लड़की, फैसला हो चुका है। अगर विनायक को मेरी बेटी रिद्धि के साथ इस घर में रहना है तो फिर आज, अभी और इसी वक्त झूठी और मक्कार सिद्धि को इस घर में से बाहर निकालना होगा। इस घर में रहने का सवाल ही नहीं उठता। कोई हक नहीं बनता तो इस घर में रहे। उज्ज्वला, निकल इस घर से। छोड़िए, छोड़िए हमें, करना होगा हमें। हम ऐसे विनायक को छोड़ के नहीं जाएंगे। हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। प्लीज उठिए, प्लीज उठिए, प्लीज प्लीज उठिए। सुषमा, पंडित जी की बात एकदम सत्य है। जैसे ही सिद्धि को वीनु से दूर करने की बात की, हमारे पोते के प्राणों पर संकट आ गए।
आज भी सिद्धि ने ही वीरू के प्राण बचाए। आप बिल्कुल सही कह रहे, लेकिन केवल आज ही नहीं बल्कि हमारी सिद्धि रानी ने हमेशा हमेशा ही अपने तप के बल से हमारे बिंदु के प्राणों पे आए हर संकट को टाल दिया है। मां फोन क्यों नहीं उठा रही है? लड़की चली कहां गई है? उसे तो विनायक की इस हालत के बारे में कुछ पता भी नहीं है। इस वक्त सिद्धि की जगह उससे विनायक के साथ होना चाहिए था। उज्ज्वला, अब तो तुमने स्वयं अपनी आंखों से देख लिया ना कि जैसे ही तुमने सिद्धि और विनायक को दूर करने का प्रयास किया, हमारे वीनू के जीवन पर संकट आन पड़ी। हमारे पति के हिस्से का हर संकट हमारे नाम कर दीजिएगा ना जी। जो दुख देना हमें दीजिए, लेकिन हमारे विनायक को कुछ नहीं होना चाहिए। विनायक हमारे मांग का सिंदूर है काना जी, हमारे सुहाग। हमारे बीनू के प्राणों पे कोई संकट तो नहीं, कोई चिंता की बात तो नहीं ना? जी नहीं, टेंशन की कोई बात नहीं, बस आप भगवान का शुक्रिया कीजिए और साथ में सिद्धि का भी। इनके सिर पर गहरी चोट लग सकती थी लेकिन ये बच गए, बस थोड़ी देर में इन्हें होश भी आ जाएगा। और हाँ, एक बात का ख्याल रखिएगा, अगले कुछ दिनों के लिए इनका अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। हिम्मत कैसी हुई सब करने की? देखिए प्लीज हट जाए, ये विनायक की जिंदगी का सवाल। हम बस उन्हें खुश और सही सलामत देखना चाहते। जाओ रास्ते से, ये हमारे पोते की सुरक्षा के लिए है। आओ बिटिया। हम जानते हैं आंटी जी, आप हमें विनायक की जिंदगी से इस घर से निकालना चाहते हैं। आप नहीं मानती कि हम विनायक की पहली पत्नी। लेकिन इन सब से ये सच तो नहीं बदल जाएगा ना कि हमने और विनायक अग्नि के आगे फेरे लिए थे। इनके नाम का सिंदूर इन्होंने हमारे मांग में भरा था और हम ही इनकी पहली पत्नी। भले ही विनायक हमारे रिश्ते को और हमें भूल कर, लेकिन हम अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटेंगे। हम अपने पति के साथ रहेंगे, उन्हें हर संकट से
हर मुसीबत से बचाएंगे, उनकी रक्षा करेंगे। ये हमारा प्रण भी है और सौगंध भी। अब हम भी देखते हैं कि हमें अपने पति के घर से और हमारे ससुराल से कौन निकालने की हिम्मत करता है, क्योंकि कानून की नजर में हम उनकी पहली पत्नी। और पहली पत्नी के होते हुए दूसरी शादी कर कानूनी अपराध है। आओ बिटिया। सदा सुहागन रहो बहू। रिद्धि, आराम से। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? कुछ चाहिए आपको? सिद्धि, तुम सिद्धि इस वक्त के लिए मुझे प्लीज प्लीज अकेला छोड़ दो। विनायक, विनायक रुक जाइए, कहाँ जा रहे हैं आप? अभी तक ठीक नहीं हैं। विनायक, आप कमरे से बाहर क्यों हैं? डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा। कहाँ चली गई थी तुम? पता है ना तुम्हें, मैं तुम्हें और बिना नहीं रह सकता। I love you. I love you, Vinay. I love you so much. आपको क्या लगा? आपको क्या लगा सिद्धि थी? मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी? गलत लगा आपको। इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगी। ये घर मेरा है, ये मेरे पति। मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगी। समझिए रिद्धि, प्लीज आप रहने दीजिए। आप बताइए, हम दोनों में से आप किसे अपनी पत्नी मानते? ऑफ कोर्स तुम रिद्धि। रिद्धि, तुम मेरी पत्नी हो और यह हक सिर्फ तुम्हारा है और किसी का नहीं।
आई लव यू। और पता नहीं क्यों सब लोग ये कहते हैं कि सिद्धि मेरी पत्नी, लेकिन सच तो ये कि मुझे कुछ याद ही नहीं कि हमारी शादी कब हुई और किन हालात में। रिद्धि तुम मेरी पत्नी हो और सिद्धि के साथ मेरा कोई वास्ता नहीं है और ना कभी होगा। प्रॉमिस। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.